संजना के भाई ने मुझे बहुत मारा। शायद तूने उसे बताया नहीं होगा कि तू वैभव का छोटा भाई है। अरे यही तो बता दिया, तभी तो मारे, पहले तो मार ही नहीं रहे थे। पता नहीं कैसे कैसे बात करते हो साले, तुझे तो भाई कहने में भी शर्म आवे। तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था पागल। अरे वैभव क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठा है? यार आज तबीयत ठीक नहीं है हमारी। अच्छा तुझे यार डॉक्टर के पास ले चलो। आज नहीं यार, फिर कभी चलेंगे, आज तबीयत ठीक नहीं है। अबे तभी तो कह रहा हूँ चल डॉक्टर के पास। अबे साले तुझसे कह दी ना बाद में जाऊंगा, आज तबीयत ठीक नहीं है हमारी। अबे घुमाने थोड़ी ना ले जा रहा हूँ, नहीं जाऊंगा आज तबीयत ठीक नहीं है हमारी, चल यहाँ से भाग। हेलो वैभव। हाँ भाई बता। तेरे पापा की जो सेटिंग थी उसका पता निकाल लिया मैंने। यस, अब मैं बताऊंगा अपने पापा को कौन है वो। तेरी मम्मी। इसका मतलब हमारे पापा घर में ही झोल झाल करते हैं। हाँ आज मैं बताता हूँ उन्हें। कितनी गंदगी फैला रखी है इस घर में, कैसे रह लेते हो तुम लोग? जाओ नौकर को बुलाओ और फटाफट से ये सारी गंदगी साफ करवाओ। एक मिनट, अबे हमारे घर का नौकर तो तू ही है। चल साले साफ कर। अरे ये गंदगी थोड़ी ना है, अभी साफ हो जाएंगे। हो नहीं जाएंगे, साफ कर जल्दी से। कर रहा हूँ भाई। हेलो हेलो भाई साहब, आप पे जो हमारे 10,000 रुपये उधार के हो रहे हैं वो कब दोगे? भाई आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपये जो आपने हमसे उधार लिए थे कब दोगे? भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है यार। भाई आपकी गर्लफ्रेंड इधर जनेश्वर पार्क में आपके दोस्त के साथ घूम रही है। किस जगह? अब बड़ी जल्दी आवाज़ आ गई आपको। मेरे पैसे दो भाई जल्दी, 10,000 रुपये। भाई मैं आपसे इतने टाइम से यही तो बता रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी।